बीते दिन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के गेट के अगे खालिस्तानी झंडे लगन का मामला सामने आया सी, जिस तो बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ते पुलिस प्रशासन पूरी तरह हरकत च आ गया। तो अज हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस मामले च वड्डी कार्रवाई करदिया होया मरिंडा के वार्ड नंबर एक के निवासी हरबीर सिंह उर्फ राजू नूं हिरासत में लै लिया है। सूत्रों अनुसार विधानसभा हिमाचल प्रदेश के गेट अगे खालिस्तान के पोस्टर झंडे लगाने के मामले में यह वड्डी कार्रवाई की गई है। दस दिए कि यह कार्रवाई जो की गई है बीते दिनों दौरान हिमाचल प्रदेश की विधानसभा गेट के अगे खालिस्तानी झंडे लगन तो बाद हिमाचल की सरकार ते पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्ती वरती हुई नज़र आ रही थी। कितना कितने उन्हां वल्लों इस संबंधी पूरी तरह मुस्तैदी दिखाई जा रही थी। तो अज यह वड्डी कार्रवाई की गई जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने छापेमारी करदे होया मरिंडा के वार्ड नंबर एक के निवासी हरवीर सिंह उर्फ राजू नूं हिरासत में लै लिया है। मेरा पंजाब न्यूज़ लई लांडी खाबड़ा की रिपोर्ट। जी माता जी क्या नाम है थोड़ा जी? लाभ कौर है। बेटा का की नाम है जी? राजू कहते हैं। पूरा नाम की है जी उनका? हरवीर सिंह। कितना नंबर वार्ड है ये? एक नंबर है। तो आज सवेरे पुलिस आई थी जी हिमाचल दी, की गलबात हुई है, की थोड़े नाल गल करी उन्होंने? कुछ उन्होंने कुछ नहीं दस्या है, सारे घर की तलाशी ली है जी, फोटो वाली। अच्छा जी। पेटियां सारी फोलती हैं, बेड फोलते हैं, उन्होंने कागज पत्र सब काफी कुछ कागज ले भी गए, मैंने दस के पुंड गए भी कड़े कड़े लेके चले हैं। किस तरह के कागज लेके जी थोड़ा दस के नहीं गए, कुछ दिखाया नहीं भी की कागज लेके चलना? कहते सी सारे लेजर ले कागज कहते जेडे होंगे साडे काम दे रख लांगे, बाकी थोड़े वापस कर दांगे। अच्छा जी। मेरे बैंक दीयां कापियां भी। बेटे नूं कहते लेके चलने कुछ कहया जी उन्होंने? की गल नहीं जी, कुछ नहीं कहया, मैनूं तां स्कूटरी दा चलान दसदे सी। की स्कूटरी चलान की दसदे सी? जी स्कूटरी दा चलान होया होया। अच्छा जी। कोई इहो जी गल नहीं, मैनूं तां उह कहंदे घबराउण दी लोड़ नहीं हैगी, कुछ नहीं कहंदे हैगे। अच्छा जी। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? 10-12 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਬਰਾਮਦ ਅਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੌਣ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੜਿਆ।